सत श्री अकाल जी, पीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा, बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अगाऊ जमानत ते कोर्ट का फैसला आ गया। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू अगाऊ जमानत मिल गई है। सुखबीर सिंह बादल नू अगाऊ जमानत नहीं मिली है। फरीदकोट कोर्ट में अगाऊ जमानत ते फैसला सुनाया गया। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू अगाऊ जमानत मिल गई है। इतने दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल नू अगाऊ जमानत नहीं मिली है। फरीदकोट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, अगाऊ जमानत ते फैसला सुनाया गया। पहला फैसला राखवा रख लिया गया सी, ते हुण फैसला सुनाया गया कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अगाऊ जमानत ते कोर्ट का फैसला हुण आ गया। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू अगाऊ जमानत मिली है, उथे ही सुखबीर सिंह बादल नू अगाऊ जमानत नहीं मिली है। फरीदकोट कोर्ट ने अगाऊ जमानत ते फैसला सुनाया है। फरीदकोट कोर्ट ने अगाऊ जमानत ते फैसला सुनाया है जो राखवा रखा गया सी। इतने दस दईए कि जिला अते सैशन जज राजीव कालड़ा दी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साडे नाल साडे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए ने। अमनदीप, ये वड्डी खबर इस समय दी कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू अगाऊ जमानत मिल गई है, उथे सुखबीर सिंह बादल नू अगाऊ जमानत नहीं मिली है। जी जी बिल्कुल, मैं दसना चाहूंगा कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जिहड़े हैगे ने और जिहड़े पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल है और उन्होंने नाल होर भी कई व्यक्ति हैगे ने जिहड़े उन्होंने जिहड़ा चार्जशीट किया सीगा इस दे विच जिहड़ी कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच SIT वल्लों तां जदों मानयोग अदालत दे विच चलान दित्ता सी तां उन्होंने अगाऊ जमानत जिहड़ी हैगी इन्होंने लाई सीगी, जिस दे चलदिआं पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री जिहड़े हैगे आ प्रकाश सिंह बादल है जिहड़े उन्होंने जिहड़ी जमानत हैगी आ उन्होंने मिल गई हैगी आ और मानयोग अदालत ने जिहड़े साबका उप मुख्यमंत्री आ सुखबीर सिंह बादल उन्होंने जिहड़ी अगाऊ जमानत है वह नहीं दित्ती। उन्होंने दे नाल ही जिहड़ी हैगी गल कर लई है तां सुखमंदर सिंह मान जो कि पंजाब फरीदकोट के साबका SSP हैगे आ उन्होंने भी आपकी जिहड़ी हैगी अगाऊ जमानत लगाई थी, वह भी जिहड़ी हैगी आ अदालत ने नामंजूर की हैगी है। तां बिल्कुल इत्थे दसना होवेगा कि जिहड़ा इह मामला हैगा 2015 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी जदों हुई सी उदों इह सारा मामला सामने आया सीगा, तां उस तों बाद समें समें आपदियां जिहड़ियां सिट बनदियां पंजाब सरकार वल्लों सिट बनाईआं गईआं स्पैशल इनवैसटीगेशन टीमां, तां उहनां ने आपदा आपदा जिहड़ा हरेक पहलू तों जिहड़ा इहनूं जांचिआ, जांचण तों बाद जिहड़े जिहड़े व्यक्ति वी इहदे विच दोषी पाए गए उहनां ने नामजद करके मानयोग अदालत दे विच चलान पेश कीते। अमनदीप, एक बार जानना चाहवांगे कि मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी उस समय दलील की कुछ रखी गई सन, क्योंकि उस समय तो ये फैसला राखवा सी। जी बिल्कुल, मैं दसना चाहूंगा कि मंगलवार को जो बहस हुई थी तो बहस तो दौरान जिहड़े माननीय अदालत ने जिहड़ा इह जिहड़ा फैसला हैगा इह बुधवार ते पाता सीगा और बुधवार भी कल सारी दिहाड़ी लंघ गई, सारा जिहड़ा प्रोसैसिंग हैगा माननीय अदालत जिहड़ी हैगी उह करदी रही और उस तों बाद कल फिर शाम नूं जदों पता लग्गिया 5 बजे जिहड़े आर्डर कीते 4:45 दे करीब उदों इह कह दित्ता गया कि जिहड़ा इह फैसला वीरवार तों यानी कि 16 तरीक नूं सुनाया जाऊगा। तां अज जिहड़ा फैसला कुछ समां पहलां आया हैगा इह फैसले दे विच क्लीयर कर दित्ता हैगा कि पंजाब दे जिहड़े साबका मुख्य मंत्री है प्रकाश सिंह बादल उन्होंने जी है अगाऊ जमानत मिल गई हैगी और जे साबका उप मुख्यमंत्री है सुखबीर सिंह बादल उन्होंने भी रिजेक्ट हो गई और उन्होंने नाल जेकर गल कर दिए सुखमरिंदर सिंह मान उन्होंने भी रिजेक्ट हो गई है। हुण ऑल्टरनेटिव की रहेगा अमनदीप? देखो जेकर देखा जाए तो हरेक व्यक्ति नूं जिहड़ा हैगा कोर्ट दे विच अधिकार हैगा, जेकर असीं इत्थों दी गल कर लईए जेकर कोर्ट दे विच अगाऊ जमानत जिहड़ी हैगी है जेकर इत्थे लाई सी तां हुण कोई भी व्यक्ति हैगा जिहड़ा उपरलीआं कोर्टां वी पईआं उहनां तक वी अप्रोच कर सकदा हैगा। हुण अगला प्रोसैस की हैगा जिहड़े इह व्यक्ति हैगे आ अगाह उपरलीआं कोर्टां तक अप्रोच करदे आ जां हुण अगला प्रोसैस की चलेगा इह हजे जिहड़ा कानून दी प्रक्रिया हैगी उहदे तरीके नाल ही चलेगा, लेकिन इत्थे दसणी जरूर बनदा हैगा कि इहदे नाल ही जिहड़े पंजाब दे साबका DGP हैगे आ सुमेध सैणी उन्हां नूं भी नामजद कीता होया और उन्हां ते भी जिहड़ी तरीक हैगी आ 20 मार्च दी दस्सी जा रही है, जिहड़ी 20 मार्च दी तरीक है उन्हां दी भी जिहड़ी अगाऊ जमानत दी जिहड़ी डेट है उह 20 जिहड़ी हैगी आ मार्च जिहड़ी हैगी आ उह फरीदकोट दी अदालत दे विच तय हुई हैगी आ भी उन्हां नूं भी उस दिन सुनाया जाऊगा कि उन्हां नूं भी जमानत मिलनी है जां नहीं।
जी अमन दे बिल्कुल ऑल्टरनेटिव हमेशा ही रहिंदा है अधिकार हुंदा सारे कोल कोटपुरा गोलीकांड मामले विच अगाऊं जमानत ते हुण कोर्ट दा फैसला आ गया। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं अगाऊं जमानत इत्थे मिली है, सुखबीर सिंह बादल नूं अगाऊं जमानत नहीं मिली है। फरीदकोट कोर्ट ने अगाऊं जमानत ते फैसला सुनाया। जी अमनदीप फरीदकोट कोर्ट ने अगाऊं जमानत ते हुण फैसला सुना दिता है। अमनदीप इत्थे एक बारी पूरा मामला समझना चाहवांगे क्योंकि बेहद ही पुराना 2015 दा ए मामला है। हाँ बिल्कुल, मैं दसना चाहूंगा कि 2015 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मामला सामने आया। ठीक है, जेकर गल कर लीए तो बेअदबी हुई थी, बेअदबी तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ी चोरी हुई। बीड़ी चोरी होने तो बाद जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी के पत्रे हैगे आ जिहड़े वो गलियां दे विच खिलारे गए, उस तो बाद विवादित जिहड़े पोस्टर हैगे आ वो गलियां दे विच लगाए गए। तो यह सारी प्रक्रिया नूं लैके बहबल जिहड़ा गोलीकांड हैगा वह भी चल रहा हैगा, उहदी भी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया चल रही हैगी है। तो बहबल जिहड़ा हैगा नैशनल हाईवे से बहबल पिंड हैगा जिहड़ा स्थित हैगा, जेकर गल कर लीए फरीदकोट जिले च पैंदा हैगा, फरीदकोट ते अमृतसर नैशनल हाईवे ते स्थित हैगा इह। तां बैबल दे जिहड़े उस दे नेड़े तेड़े पिंडां दे लोक सीगे बैबल दे विच रोड दे उत्ते मेन हाईवे ते उहनां ने धरना लगा दित्ता सी जदों इह सारा घटनाक्रम होया। उस तो बाद कोटपुरे जिहड़ी सिख संगत इकट्ठी हैगी आ उह होई जिहड़ा लाइटां वाला चौंक हैगा, तां उत्थे कुछ दिन धरना चलिया ते जदों उत्थे कानून ने आपदे तरीके नाल कानूनी प्रक्रिया नाल जिहड़ा हैगा सारे पहलुआं तों उत्थे जिहड़ी जिहड़ी स्थिति हैगी आ उह जदों विगड़दी नजर आई उस तों बाद उत्थे फिर गोली भी चली, तां उह कोटपुरा गोलीकांड बन गया। और उस तों बाद जिहड़ा बैबल हैगा उत्थे जदों स्थिति काबू च ना आई तां उत्थे दो सिख जिहड़े हैगे शहीद होए, उत्थे भी गोली जिहड़ी चली हैगी आ, उत्थे जिहड़ी पुलिस दी गोली दे नाल दो जिहड़े सिख नौजवान जिहड़े शहीद होए हैगे आ। तां गल कर लईए तां सारे इहनां घटनाक्रम नूं लै के जिहड़ा हैगा समें समें दीआं जिहड़ियां सरकारां हैगीआं उहनां ने एस आई टीआं गठित कीतीआं स्पैशल इनवैसटीगेशन टीमां, तां उहनां दे विच कई सीनियर अधिकारी जिहड़े शामिल कीते गए। उहनां ने आपदीआं रिपोर्टां जिथे मानयोग अदालतां दे विच दित्तीआं उत्थे सरकार तक भी अपनियां जिहड़ियां रिपोर्टां हैगीआं उह सरकार दे सरकार दे सामने रखियां, तां सरकार दे जदों सामने रखियां उस तों बाद जेकर हुण गल कर लईए तां सियासत भी हुंदी नजर किते ना किते जरूर इहदे विच नजर आउंदी दिखाई दिंदी रही। क्योंकि जेकर गल कर लईए तां कांग्रेस दी सरकार बणी तां उदों दे जिहड़े मुख मंत्री सी कैप्टन अमरिंदर सिंह तां उहनां ने भी गुटका साहिब दा जिहड़ा हैगा उह हत्थ 'च फड़ के जदों सहुं खाधी भी असीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा जिहड़ा मसला हैगा इहनूं आउंदिआं ही सुलझा लवांगे, तां उह 5 साल लंघे उहनां ने कुछ नहीं कीता। जेकर गल कर लईए तां उस तों बाद आम आदमी पार्टी दी सरकार जिहड़ी हुण होंद 'च 1 साल हो गया आई नूं, तां उहनां ने बड़ा जिहड़े हैगे आ इह ऐलान कीते सीगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा जिहड़ा मामला हैगा उहनूं छेती सुलझा लिया जाएगा। तां उस दे तहत जिहड़ा कुछ कर रहे हैगे ने, क्योंकि पिछले दिनी मोर्चा भी लग्गिया, मोर्चा उठाया भी गया, और जिस तरीके नाल जिहड़े व्यक्ति जिहड़े हुण जिहड़े खास व्यक्ति मैं गल करूंगा कि जिन्हां दा नाम हुण शामिल कीता गया उस गल नूं लै के मोर्चा चाहे नहीं चक्किया गया हैगा, उहनां ने इह गल कही हैगी है कि इह सिर्फ कोटपुरा गोलीकांड दा जिहड़ा जिहड़ा हैगा नामजद कीता चलान पेश कीता हैगा, नामजद कीते आ लोक, लेकिन जदों तक बैबल गोलीकांड दा जिहड़ा चलान हैगा उह नहीं पेश हुंदा तां उदों तक जिहड़ा उहनां दा बैबल मोर्चा हैगा उह हजे भी लग्गिया वा, उह बस लगातार जिहड़ा हैगा जारी हैगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਊਗਾ। जी अमन दे फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं अगाऊं जमानत मिल गई है, सुखबीर सिंह बादल नूं अगाऊं जमानत नहीं मिली है, पर ऑल्टरनेटिव होर भी बहुत ने उहनां कोल ते फरीदकोट कोर्ट विच अगाऊं जमानत ते फैसला अज सुनाया गया।